आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। सुशांत मौत मामले में आरोपी रिया चक्रवर्ती से न्यूज 18 ने सबसे तीखे सवाल किए। सुशांत के पैसे हड़पने से लेकर ड्रग्स कनेक्शन तक न्यूज 18 ने वो हर सवाल रिया से पूछे जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। क्या सुशांत को जादू टोने से डराया जाता था? क्या रिया ने ही सुशांत को उसके परिवार से अलग कर दिया था? इन सारे तीखे सवालों का जवाब रिया ने इस विस्फोटक इंटरव्यू में दिया है। सुशांत के पैसों की हेराफेरी पर रिया चक्रवर्ती ने न्यूज 18 से साफ कहा कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर पैसे खर्च करते थे। रिया ने 15 करोड़ वाली बात को नकारते हुए दावा किया कि उनके या उनके परिवार को सुशांत ने कभी पैसे नहीं दिए। रिया, सिंस द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैव क्वेश्चन्ड योर ब्रदर एंड योर फादर, एक एलिगेशन है दैट यू एंड सैमुअल मिरांडा वर यूजिंग सुशांत्स मनी फॉर योर पर्सनल नीड्स, दैट आप सुशांत का पिन यूज करती थी और उनके कार्ड के डिटेल्स थे आपके पास। वर यू लिविंग ऑफ हिज मनी एंड डिड योर एंटायर फैमिली इंक्लूडिंग योर फादर योर ब्रदर मूव इन विथ यू व्हेन यू स्टार्टेड द लिव इन रिलेशनशिप विथ सुशांत सिंह राजपूत? एब्सोल्युटली नॉट। ये सब बहुत ही बड़ा झूठ है। पहली बात, उन्होंने मुझे कभी कोई पैसे नहीं दिए। हाँ, हम लोग एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में जो होता है कि यस ही टुक मी ऑन दैट ट्रिप, हालांकि मेरी टिकट्स बुक थी, उन्होंने कैंसिल करके आगे का ट्रिप बुक किया। उसके अलावा मैं आई यूज टू फेंड फॉर माय ओन सेल्फ। मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ। जस्ट बिकॉज मैं इतनी बड़ी स्टार नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि किसी का भी मैं फायदा उठाने लगूँ। जी हाँ, वो मुझसे प्यार करते थे, एज अ गर्लफ्रेंड वो मुझे खुश रखते थे, लेकिन ऐसे कोई खर्चे नहीं किए उन्होंने मेरे पे जो मैंने उनसे करवाए हैं। एज अ नॉर्मल कपल, कभी कभी वो जारा के बिल्स पे करते थे, कभी कभी मैं, उन्होंने मुझे एक मेरे बर्थडे पे घड़ी गिफ्ट की जो कि 4 या 5 लाख की थी, मैंने उन्हें उनके बर्थडे पे एक घड़ी गिफ्ट की जो 4 लाख की थी। हालांकि वो मुझसे बड़े स्टार थे, ये बात कोई क्यों नहीं कहता कि मैंने भी उन पे 4 लाख रुपए खर्च किए हैं। और 20-20 हज़ार के बिल्स निकाल निकाल के हमारे रिलेशनशिप का इतना गंद उछाला जा रहा है। आप मुझे बताइए, अगर आप एक कपल हैं तो क्या आप एक दूसरे पर थोड़े बहुत खर्चे नहीं करेंगे? टेल मी, व्हाई डिड यू नो देयर आर एलिगेशंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एज वेल अगेंस्ट यू। सुशांत एंड यू रैन सर्टन कंपनीज टुगेदर एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर ब्रदर एज वेल। What was the need of including Souvik Chakravarty as director in these companies? Did you insist when Sushant was creating these companies? It was actually the opposite. Sushant insisted that Souvik be part of this company. It will be quite clear from Souvik's chats as well that Sushant was very keen. He was the one who used to always call him to come over, ghar aaja, come bhai, let's hang, I have a new idea. Sushant ek bahut hi उनके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज रहते थे एंड ही ऑफन लाइक टू डिस्कस इट। उनको शेयर करने में मजा आता था। ही लाइक इंस्पायरिंग यंग बॉयज। शोविक उन्हें एक बड़े भाई की तरह देखते थे, वो उससे इंस्पायर्ड थे। वो हमें, मुझे भी एक्चुअली काफी कुछ सिखाते थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी के बारे में उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। शोविक उनसे काफी, इन बातों से काफी एक्साइट होता था और शायद वही एक्साइटमेंट और वही म्यूचुअल बॉन्डिंग देके सुशांत वाज कीन। सुशांत चाहता था कि शोविक भी पार्टनर बन जाए और पार्टनर बनने का सिर्फ यही मतलब है, कॉन्ट्रेरी टू व्हाट पीपल थिंक कंपनी ये होता है वो होता है, कि हमने 33,000 ईच अपने अपने अकाउंट से डाले हैं सिर्फ 33% ईच पार्टनर्स बनने के लिए। उस कंपनी में एक भी ट्रांजेक्शन ना आया है ना गया है उसके अलावा। और मेरे भाई की 33,000 नहीं भरे हैं। रिया, फैमिली का जो FIR में चार्ज है कि आपने 15 करोड़ रुपया सुशांत सिंह राजपूत का ले लिया। यू हैव स्विंडल्ड ऑफ 15 करोड़ रुपीज। ये 15 करोड़ का क्या हुआ है? मैम, ये सबसे बेसलेस एलिगेशन है, बिकॉज आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि 15 करोड़ ऐसी कोई छोटी रकम नहीं है कि इतने सारे इन्वेस्टिगेशंस के बाद किसी को मिली नहीं। मेरी मुंबई पुलिस के साथ भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, उन्होंने भी ये सारी चीजें ऑब्वियसली देखिए, मेरे बैंक स्टेटमेंट्स उन्होंने भी लिए हैं। ईडी के साथ मैं अंडरगो कर रही हूँ इन्वेस्टिगेशन। ये 15 करोड़ है कहाँ?
ये ऐसी कोई छोटी रकम नहीं है कि गायब हो जाएगी, अगर होते तो होते तो मिल जाते मेरे अकाउंट में, पर ऐसा कुछ है नहीं, ना सुशांत ने मुझे एक रुपया कभी ट्रांसफर किया है, ना मुझे ना मेरी फैमिली को। कोई जॉइंट इन्वेस्टमेंट? एब्सोल्युटली नॉट। जॉइंट प्रॉपर्टी? नीट और जेईई की परीक्षाओं को टालने की मांग पर देश भर में जारी हंगामे के बीच लखनऊ में भी खूब बवाल हुआ। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लखनऊ में राजभवन के पास धरने पर बैठ गए, जिसके बाद उन्हें समझाने की कोशिश की गई। पुलिस ने उन्हें चेतावनी भी दी, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर जब किसी बात का कोई असर नहीं हुआ तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के बावजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। पुलिस लाठियां बरसाती रही, लेकिन वो नीट और जेईई की परीक्षाओं को टालने की मांग पर अड़े रहे। प्रदर्शनकारियों की जिद ने पुलिस के पसीने छुड़ा दिए। लाठीचार्ज से काम नहीं बना तो उसने धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को घसीट कर बसों और गाड़ियों में भरना शुरू कर दिया। नीट और जेईई की परीक्षाओं के विरोध में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन ने हंगामे का रूप ले लिया। हजारों लाखों युवा जो कोरोना ग्रसित होंगे उनको जबरदस्ती मारने का जो काम हो रहा है, ये इसका सीधे सीधे जिम्मेदार है। लखनऊ में राजभवन के पास हुए इस प्रदर्शन में पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया। और इस हंगामे के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक बार फिर ये साफ कर दिया कि सरकार नीट और जेईई की परीक्षाओं को टालने के बारे में नहीं सोच रही है। यही नहीं, शिक्षा मंत्री ने नीट और जेईई की परीक्षाओं के विरोध को सियासी पार्टियों तक सीमित बताया। उन्होंने दावा किया कि इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा जेईई के लिए 8,58,000 छात्रों में करीब 7.5 लाख छात्र एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जेईई के लिए सिर्फ 332 छात्रों ने परीक्षा केंद्रों को बदलने की मांग की है, जिस पर सरकार की तरफ से विचार किया जा रहा है। इसी तरह दावा है कि मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा नीट के लिए करीब 16 लाख छात्रों में 6.5 लाख से ज्यादा छात्र पहले 5 घंटे में एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। जेईई की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होनी। सभी लोगों से मैं अपील करूंगा कि वो इस समय मेरे छात्र का एक वर्ष बर्बाद न जाने दें, प्लीज हम लोगों को मदद करें, छात्र का मनोबल बढ़ाएं। बात करते हैं हम यूपी की। यूपी के हमीरपुर में मछली उधार नहीं देने पर दुकानदार और ग्राहक के बीच विवाद हो गया और फिर थोड़ी देर बाद उनमें मारपीट शुरू हो गई, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एक बुजुर्ग दुकानदार और मछली लेने आया ग्राहक सड़क किनारे मारपीट करते दिखे। वीडियो में दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ थप्पड़ चलाते नजर आए। तभी वहां मौजूद एक महिला भी ग्राहक पर टूट पड़ी। इस बीच बुजुर्ग दुकानदार उस पर थप्पड़ और लात चलाता रहा, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर गया। अगले ही पल बुजुर्ग दुकानदार भी जमीन पर गिर गया। इस बीच महिला ग्राहक के साथ मारपीट करती रही। इस घटना से पहले दोनों एक दूसरे के साथ हाथापाई करते दिखे, जबकि महिला उन्हें रोकने की कोशिश करती नजर आई। मारपीट की इस घटना के वक्त वहां कुछ लोग भी दिखे, लेकिन किसी ने भी उन्हें छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि दूर खड़े रहकर सिर्फ तमाशा देखते रहे। उत्तर कोरिया और चीन के बीच तलवारें खींचने की नौबत है, क्योंकि वहां के तानाशाह किम जोंग उन ने हुक्म जारी कर दिया कि चीन से लगने वाली सीमा के पास कोई भी दिखा तो उसे सीधा गोली मार दी जाएगी। और ऐसा इसलिए ताकि उत्तर कोरिया में कोरोना को फैलने से रोका जा सके। आदेश भी ऐसा कि चीन की सीमा के पास कोई भी दिखे तो उसे सीधा गोलियों से छलनी कर दिया जाए। पुलिस और फौज को खुली छूट है कि अगर बॉर्डर से 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी गोली लगने से मरता है तो किसी से कोई सवाल तक नहीं पूछा जाएगा। उत्तर कोरिया और चीन का बॉर्डर 1400 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। कोरोना वायरस के अब तक एक भी पॉजिटिव केस के उत्तर कोरिया में होने की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन किम जोंग उन को लगता है कि उनके दुश्मन अब वहां वायरस भेजने की फिराक में है। इसलिए उसे रोकने के लिए वो किसी भी जंग में कूदने के लिए तैयार हैं, चाहे चीन से ही टकराने की नौबत क्यों ना आ जाए। आम आदमी पार्टी ने बिहार चुनाव में ताल ठोकी। आम आदमी पार्टी ने भी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी। पार्टी की तरफ से पटना में कई जगह पोस्टर लगाए गए, जिनमें आरजेडी और जेडीयू पर निशाना साधा गया। बिहार में चुनावी आहट के बीच आम आदमी पार्टी ने पोस्टर के जरिए बिहार में एंट्री मारी है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन की सदस्यता रद्द कर दी, यानी अब वो पार्षद नहीं रहेंगे। नियमों के मुताबिक निगम की 3 बैठकों में बिना बताए शामिल नहीं होने पर किसी भी पार्षद की सदस्यता रद्द की जा सकती है। फिलहाल ताहिर हुसैन दिल्ली हिंसा मामले में जेल में बंद है। लगातार 3 मीटिंगों में वो अगर फिर से रहता है तो कॉरपोरेशन उसकी सदस्यता को समाप्त कर सकती है।
रामबन और बनिहाल में भारी बारिश से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो गया, जिससे सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। हाईवे बंद होने से वहां फंसे लोगों को खाने पीने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात से आ रहे हैं, कल से फंसे हुए हैं। फिल्म सड़क टू का एक और गाना जारी कर दिया गया। ये फिल्म कल ऑनलाइन रिलीज होगी। इसमें आलिया भट्ट, संजय दत्त और आदित्य रॉय कपूर मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। न्यूज 18 से बातचीत में रिया चक्रवर्ती ने साफ कहा कि उनके खिलाफ सुशांत केस में सुनाई जा रही एक तरफा कहानी ने उनकी जिंदगी तबाह कर दी है। रिया ने दावा किया कि सुशांत की मौत से सबसे ज्यादा दुखी वो ही है। Why have you chosen to break your silence after 75 days? Ma'am, as respect to the person who lost his life, as regard to the agencies that were investigating, and I was brought to this point, is rah pe aakar mujhe rakh diya hai, jab sari baatein bahar khul chuki hain, jab WhatsApp chats se lekar, call log se lekar, रबिश रूमर्स, पता नहीं कौन कौन सी कहानियां मनगढ़ंत बनती जा रही हैं, मुझे ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया है जहां से मेरे पास कोई अब ऑप्शन नहीं रहा सिवाय इसके कि मैं अपनी कहानी आगे रखूं, क्योंकि ये एक तरफा कहानी जो है, इस एक तरफा कहानी ने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी है, मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और अब मुझे लगता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी फैमिली की तरफ कि मैं अपनी कहानी आगे रखूं। सच्चाई क्या है रिया, सुशांत की मौत कैसे हुई, कौन जिम्मेदार है? मैं ये जानना चाहती हूँ, और मैं इसीलिए बहुत खुश हूँ कि सीबीआई जैसी एपेक्स इंस्टीट्यूट इस बात को इन्वेस्टिगेट कर रही है। हम सब ये जानना चाहते हैं, मैं जानना चाहती हूँ ऐसा क्या हुआ 8 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में, जब उनकी सिस्टर नीतू जी उनके साथ थी और भी लोग वहां थे, ऐसा क्या हुआ कि सुशांत ने ऐसा स्टेप लिया, या ये इसमें कोई फाउल प्ले है? हिमाचल में हुई भारी बारिश के बाद शिमला और कुल्लू समेत कई जिलों में उफनती नदियों के तांडव ने लोगों को खौफ से भर दिया। कुल्लू जिले में तो भारी बारिश के बाद हालात काफी बिगड़ गए, जहां भारी बारिश के बाद नदियां और नाले आग बबूला हो गए। मनाली के छाकी नाले ने तो खतरनाक रूप ले लिया। उफनती लहरों के डरावने रूप ने आसपास के गांवों को भी दहशत से भर दिया। कुल्लू का धारा गांव तो देर रात हुई भारी बारिश से सहम उठा। वहां से सामने आई तस्वीरों में एक गाड़ी पेड़ के पास फंसी दिखी। डरे सहमे लोग खतरे के बीच सुरक्षित इलाकों की तरफ जाने के लिए मजबूर नजर आए। लगातार हुई बारिश के बाद वहां कई झरनों ने भी रौद्र रूप धारण कर लिया। मंडी जिले से सामने आए एक वीडियो में तो चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे नंबर 3 पर पहाड़ों से आफत बरसती दिखी। टनल में पानी भरने की वजह से हाईवे को बंद कर दिया गया, इससे वहां लंबा जाम भी लग गया। राजधानी शिमला में भी तेज बारिश हुई। मौसम विभाग का अनुमान है कि राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का ये सिलसिला जारी रह सकता है। अभी जो वेदर है ये इसी तरीके से बना रहेगा अगले 2 दिन तक। आज भी जो मध्य प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में मोस्ट प्लेसेस पे बारिश हो सकती है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई। बंगाल की मेदिनीपुर जिले में महिलाओं से मारपीट का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि टीएमसी के एक स्थानीय नेता ने महिलाओं को पीटा। बताया गया कि यह मारपीट जमीन विवाद की वजह से हुई, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया, क्योंकि वीडियो में एक शख्स महिलाओं को पीटता नजर आया। दखा, 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 दखा। ये शख्स दौड़ता हुआ इन महिलाओं की तरफ आया और उन्हें डंडे से मारने लगा, जिसके थोड़ी देर बाद वो वहां से भागता दिखा। लेकिन जिन महिलाओं को उस शख्स ने पीटा था वो दर्द से कराहती नजर आई। एक महिला तो चीखते हुए सड़क पर ही लेट गई और अपनी चोट दिखाने लगी। बताया गया कि वीडियो में दिखाई देने वाले शख्स का नाम शिवराम पंडित है और वो टीएमसी का स्थानीय नेता है। इस वीडियो के वायरल होते ही बीजेपी ने टीएमसी को घेरा। तृणमूल का लीडर महिला देर पर बहुत अत्याचार किया है और मारपीट के हो। जबकि टीएमसी नेताओं के मुताबिक वीडियो में दिखने वाले शख्स का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और संपूर्ण मिथ्या है। वो उसको साथ तृणमूल कांग्रेस का कोई संपर्क नहीं है। इस बीच पुलिस ने पूरे मामले में शिकायत दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। सुशांत केस में जादू टोने की बात को रिया ने सिरे से खारिज कर दिया।
न्यूज 18 को दिए गए सबसे विस्फोटक इंटरव्यू में रिया ने कहा कि सुशांत के साथ कोई काला जादू नहीं हुआ। रिया, कोई स्पिरिचुअल हीलर जिनके पास आप ले जाती थी? मैं ले जाती नहीं थी। एक बार दो बार मोहन जोशी करके एक हीलर है जिन्हें गूगल पे ढूंढ निकाला था सुशांत ने एक्चुअली, और मुझे कहा था कि इन्होंने इनके आर्टिकल्स थे कि इनके हाथ में हीलिंग पावर है और ये जहाँ भी रखते हैं वो चीज ठीक हो जाती है। तो सुशांत उस वक्त एंग्जाइटी और डिप्रेशन से गुजर रहे थे और उन्होंने कहा कि क्या पता ये मुझे ठीक कर दें, और इसलिए वाटरस्टोन में वो आए थे सुशांत से मिलने और उन्होंने सिर्फ इतना किया 5 मिनट के लिए। एंड ऑनेस्टली पहली बार सुशांत को काफी बेटर लगा और दूसरी बार ही वाज उनको थोड़ा अच्छा तभी भी लगा, और इट वाज जस्ट हीलिंग विदाउट एनीथिंग। ही इज अ हैंड हीलर, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। सुशांत को भी ये गूगल पे ही मिले थे। सो इट हैपेंड ओनली वंस एट वाटरस्टोन, डिड यू कॉल एनी ऑफ दीज हीलर्स और जादू टोना वालास इन योर होम, जिस अपार्टमेंट में आप रहती थी सुशांत के साथ? जी नहीं, ना हीलर्स ना जादू टोने वाले आए थे। डॉक्टर्स आए थे, डॉक्टर कर्सी चावड़ा सुशांत को अक्सर विजिट करते थे ऑन अ वीकली बेसिस, हर 10 दिन में घर मिलने आते थे, उनसे बात करते थे, उनका प्रिस्क्रिप्शन चेंज करते थे, दवाइयाँ कम या ज्यादा करते थे। दैट्स अबाउट इट। ऐसे कोई अतरंगी टाइप के लोग, कोई ब्लैक मैजिक या जादू टोना नहीं हुआ है यहाँ पे। सुशांत केस में आरोपी रिया चक्रवर्ती के पिता से ईडी ने फिर पूछताछ की। इस पूछताछ के लिए रिया के पिता मुंबई पुलिस की सुरक्षा में ईडी के दफ्तर पहुंचे, क्योंकि रिया ने अपनी और अपने परिवार की जान को खतरा बताते हुए मुंबई पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी, जिसके बाद मुंबई में रिया के घर पर काफी हंगामा भी हुआ। मुंबई पुलिस जब उनके घर पहुंची तो उसने अपने आने की वजह कुछ और बताई। इंद्रजीत चक्रवर्ती को ईडी का एक लेटर देने का, उतना ही उसी काम के लिए हम आ गए। पुलिस की इस दलील पर कई लोगों को आश्चर्य भी हुआ। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ईडी के लेटर को देने के लिए मुंबई पुलिस के चार देखिए पूरे बकायदा पुलिस वैन है, यहाँ पर पूरी टीम आई है। हालांकि बाद में पुलिस के कुछ जवानों को रिया के घर के बाहर तैनात कर दिया गया। इससे पहले रिया ने अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए सोशल मीडिया पर 2 वीडियो भी पोस्ट किए, जिनमें एक वीडियो में उनके पिता दिखाई दिए जिन्हें घर से बाहर निकलने पर मीडिया कर्मियों समेत लोगों ने घेर लिया। वहीं दूसरे वीडियो के जरिए रिया ने अपने घर के सुरक्षा कर्मी को लोगों से हो रही परेशानी की बात बताई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में नदी में फंसे लोगों को सेना ने हेलीकॉप्टर से बचा लिया। भारी बारिश के बाद जलस्तर बढ़ने से ये लोग नदी के बीच में ही फंस गए थे, जिन्हें बचाने के लिए वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। हेलीकॉप्टर नदी के बीच में उस जगह पहुंचा जहां वो लोग फंसे हुए थे, जिसके बाद रस्सी की मदद से उन्हें ऊपर खींचा गया, फिर सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया। बताया गया कि सेना ने 7 लोगों की जान बचाई, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल थी। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए नदी में फंसे लोगों को बचाया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में देखिए किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा और 3 लोगों की जान यहां पर बच पाई। दरअसल हेलीकॉप्टर नदी के बीच में उस जगह पर पहुंचा जहां पर लोग फंसे हुए थे, उसके बाद उनको बाहर निकाला जा सका। दिल्ली में इस साल फरवरी में जिन इलाकों में दंगे हुए थे वहां रहने वाले लोग खुद ही अपनी सुरक्षा के इंतजाम में जुटे हैं। दंगों के 6 महीने बीत जाने के बावजूद इन इलाकों में रहने वाले लोगों के मन से डर अभी खत्म नहीं हुआ है, और यही वजह रही कि कई इलाकों में लोगों ने अपनी गलियों में लोहे के बड़े बड़े गेट लगवा दिए। दिल्ली के विजय पार्क इलाके से सामने आई एक तस्वीर में सभी गलियों में इसी तरह के गेट नजर आए। स्थिति हालांकि काफी बेहतर हो चुकी है, लेकिन जो मंजर इन्होंने अपनी आंखों से देखा है उसको लेकर डर जो है अभी भी थोड़ा बहुत उनके मन में है। पुलिस और प्रशासन के बजाय लोग खुद ही अपनी सुरक्षा का इंतजाम करते दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि लोहे के गेट से उनका डर काफी हद तक कम होगा। हमने देखा कि जिन गलियों पर गेट थे उन गलियों में दंगा ही नहीं घुस पा रहे थे, वो गलियों सुरक्षित थी, तो इसलिए हमने गेट लगाने की योजना बनाई। बताया गया कि लोगों ने मिलकर पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरों की संख्या भी बढ़ा दी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में राहत और बचाव दल के लोगों ने पानी के तेज बहाव में फंसे 4 लोगों को बचा लिया। ये लोग नदी के दूसरी तरफ किसी काम से गए हुए थे, लेकिन नदी में अचानक सैलाब आ गया और ये लोग वहीं पर फंस गए। जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम घटना वाली जगह पर पहुंची और पानी की लहरों के बीच फंसे लोगों को बाहर निकालने के काम में जुटी। इन लोगों ने पहले रस्सियां बांधी, उसके बाद जान जोखिम में डालकर फंसे लोगों तक पहुंचे।
इसके बाद चारों लोगों को सावधानी बरतते हुए सुरक्षित बाहर निकाला गया। मेरी तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि पहले तो वो अगर वो नाले के आसपास रहते हैं तो अपने आप को वैकेट करें और वहाँ जाने की भी कोशिश ना करें। हमने इसके तल्लुक से एक एडवाइजरी भी जारी की है जिसमें टेलीफोन नंबर जो हैं वो दे रखे हैं, जिसमें हमारे पुलिस ऑफिसर्स के टेलीफोन नंबर्स हैं, उन पर वो कॉन्टैक्ट करें। ब्राज़ील में कोरोना संकट की वजह से ठप हुए होटल दफ्तरों में तब्दील हो गए। कोरोना की वजह से वहां का होटल कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ और यही वजह रही कि महीनों से बंद पड़े कई होटलों को दफ्तरों में बदल दिया गया। वहां के रियो डी जेनेरो से आई एक तस्वीर में समंदर किनारे बने होटल के एक कमरे में एक आदमी काम करता दिखाई दिया। इस आदमी ने बताया कि कोरोना की वजह से दफ्तर बंद होने के बाद वो घर से काम कर रहा था, लेकिन अब उसने होटल का एक कमरा किराए पर ले लिया है और उसे ही अपने दफ्तर में बदल दिया। कोरोना संकट के बीच होटल दफ्तरों के लिए कमरों के किराए पर 60-70% की छूट भी दे रहे हैं ताकि इस तरह उनका काम धंधा भी चल सके। हालांकि कोरोना के खतरे को देखते हुए दफ्तरों में तब्दील हुए होटलों में बेहद सख्ती भी नजर आई। जिन कमरों को दफ्तर बनाया गया वहां एक कर्मचारी केमिकल से सफाई करने में जुटा दिखा। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में रिया ने सुशांत को उनके परिवार से दूर करने के आरोपों को भी नकार दिया। रिया ने दावा किया कि सुशांत का अपनी बहन प्रियंका से झगड़ा हुआ था। Are you responsible for also breaking his ties with his sisters? That is what the family says, that aapke aane ke baad April 2019 mein jab aap unke ghar ke andar aayi, uske baad aapne aisa mahol kar diya that his sister, and because you accused his sister of molesting you, uske baad equation kharab hua. Ma'am, if you've seen the chats of April 2019 from Sushant to me, him and his sister Priyanka had a fight in April when this incident took place. The very next day I was not present in the house. They had a fight. Unki ladai mein Sushant ne mujhe message kiya hai ki wo unki behan ko message kar raha hai ki aapne sharab ke nashe mein aisa bura kadam uthaya hai, you have molested under the influence of alcohol. उनका मैसेज है उनके ब्रदर इन लॉ सिद्धार्थ को कि भाई आप तो जानते हैं किस क्या क्या कर सकती हैं, अभी ये मुझे मैनिपुलेट कर रही हैं, शी इज प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। ये सुशांत का मुझे मैसेज है, मेरा सुशांत को नहीं है। बट व्हाई डिड ही सेंड दैट मैसेज? इज दिस एन इंडिकेशन दैट ही वाज नॉट हैविंग अ गुड इक्वेशन विद हिज सिस्टर्स, व्हिच इज कॉन्ट्रेरी टू द वीडियोस दैट हैव बीन पुट आउट इन द पब्लिक डोमेन, रिया, दैट ही वाज अ फैमिली मैन, that Sushant had great equation with his siblings. वो एक अच्छे भाई थे जो अपनी भतीजी को mentor भी करते थे, उसके अलावा बहुत अच्छा equation था उनका और उनकी चार बहनों के साथ। तो फिर क्यों नहीं मिलते थे वो लोग? तो फिर जब वो आते थे एक एक दिन में ऐसा क्या हो जाता था कि वो लोग बिछड़ जाते थे? अगर मैं उसे control कर रही होती मैम, तो जब वो चंडीगढ़ गया वहां पे रहा जनवरी में, एक दो दिन में वो वापस आ गया। मेरे चैट्स में मेरे पास प्रूफ है कि मैंने उसे वापस नहीं बुलाया है, वो खुद आया। इनफैक्ट मुझे बाद में पता चला साहिल और बुद्धा सिद्धार्थ पठानी के थ्रू कि सर निकल गए। मैंने कहा मुझे लगा एक दो महीना रह के आएंगे, दैट्स एक्चुअली व्हाट आई थॉट। तो उन्होंने उसे आने क्यों दिया, वापस क्यों आने दिया? अगर उन्हें लगता था कि मैं उसे आइसोलेट कर रही हूँ, मैं उसका घर चला रही हूँ, ये सारे एलिगेशन उन्हें लगते थे, तो व्हाई वुड दे अलाउ हिम टू लीव? कोरोना संकट की अर्थव्यवस्था पर पड़ी मार के बीच जीएसटी के मुद्दे पर अहम बैठक हुई जिसमें जीएसटी काउंसिल के साथ राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हुए और चर्चा इस बात पर हुई कि कोरोना की वजह से राज्यों को हुए नुकसान की भरपाई कैसे की जाए, क्योंकि कोरोना के असर से जीएसटी कलेक्शन में करीब 2.25 लाख करोड़ की कमी आने का अनुमान है। हालांकि केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू करने से होने वाले नुकसान की भरपाई का भरोसा राज्यों को इसे लागू करते वक्त दिया था, लेकिन वित्त मंत्री ने बैठक में साफ कर दिया कि कोरोना वायरस एक एक्ट ऑफ गॉड है, यानी कुदरती आफत है, ऐसी मुसीबत जिसके होने की सूरत में केंद्र को भरपाई नहीं करनी हो। ऐसे में राज्यों को लोन लेने का विकल्प दिया गया। सरकार ने साफ किया कि आरबीआई से राज्यों को लोन दिलाया जा सकता है। हालांकि कई राज्यों का मानना है कि अगर कर्ज लेकर ही नुकसान की भरपाई करनी पड़े तो लोन केंद्र सरकार को लेना चाहिए, राज्यों को नहीं।
दिल्ली के द्वारका सेक्टर 23 इलाके से पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश विकास शौकीन को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि पुलिस को विकास शौकीन के वहां आने की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इसी बीच विकास अपने एक साथी के साथ स्कूटर पर आता दिखाई दिया, लेकिन जब पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो वो भागने लगा। पीछा करने पर उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से की गई जवाबी फायरिंग में वो घायल हो गया। बाद में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। विकास शौकीन पर दिल्ली के अलग अलग थानों में कई केस दर्ज हैं और पुलिस उसकी अरसे से तलाश में जुटी थी। फ्रांस के एक स्टंटमैन ने दो पहाड़ों के बीच रस्सी पर चलने का करतब दिखाकर लोगों को हैरान कर दिया। ये स्टंटमैन पहले भी इस तरह के कई रिकॉर्ड बना चुका है, लेकिन इस बार उसने अपने स्टंट के लिए फ्रांस के एल्प्स पर्वतों को चुना। इसके लिए दो चोटियों के बीच रस्सी बांधी गई और फिर इस स्टंटमैन ने उस पतली सी रस्सी पर चलना शुरू कर दिया। इससे पहले वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, तैयारियां पूरी करने के बाद वो रस्सी पर बैठ गया। जल्द ही वो संतुलन बनाते हुए रस्सी पर खड़ा हो गया और आगे बढ़ने लगा। रस्सी इतनी ऊंचाई पर बंधी थी कि वहां से फिसलने पर उसका बचना मुश्किल हो जाता। हालांकि उसने सुरक्षा के इंतजाम भी किए थे, फिर भी ये स्टंट काफी खतरनाक था। तमाम खतरों के बीच वो आसानी से रस्सी पर चलते हुए उसके दूसरे छोर पर पहुंच गया। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से सभी नदी नालों ने खतरनाक रूप ले लिया और ज्यादातर नदियां खतरे के निशान के आसपास पहुंच गई, जिसका असर जम्मू में देखने को मिला। जहां जम्मू शहर के बीच से बहने वाली तवी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और खतरे के निशान के पास पहुंच गया। क्योंकि नदी उफना गई और इसका जलस्तर लगातार बढ़ता दिखा, इसलिए तवी के तेवर ने प्रशासन को खतरे को लेकर सचेत कर दिया। जम्मू कश्मीर प्रशासन और पुलिस की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। जितने भी घर जो हैं, वो तवी नदी या दूसरे नदी नालों के आसपास हैं। इसी वजह से तवी के किनारे रहने वालों को घर खाली कर सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया। यही नहीं, जो चरवाहे मवेशी लेकर तेज धार नदी में उतर गए थे, उन्हें भी पुलिस वाले हटाते नजर आए। चूंकि तवी में पानी के खतरनाक स्तर पर पहुंचने पर कई बार उसके ऊपर बने पुल को भी नुकसान पहुंचा, इसलिए पुलिस वाले पुल पर रुकने वालों को जबरन जाने को मजबूर करते दिखे। नदियों के ऐसे खतरनाक रूप की वजह कश्मीर घाटी में होने वाली भारी बारिश को यूं ही नहीं ठहराया जा रहा। जहां खतरे के निशान के नीचे होने के बावजूद नदी नाले डराते दिखे। दूर दराज इलाकों में वहां पे पानी की लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गई। इस वक्त हम नाले गूगल डारा पे हैं और यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, लेवल पानी की बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बताया गया कि बारिश की वजह से पहाड़ से मैदान की तरफ बहने वाली ऐसी ही नदियों की धार मैदानी इलाकों में पहुंचकर कहर बन गई। लखनऊ में प्रशासन ने बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी के बेटों पर कार्रवाई करते हुए उनकी दो इमारतें गिरा दी। मुख्तार अंसारी के बेटों पर दूसरों की जमीन पर कब्जा कर इन इमारतों को बनाने का आरोप है, जिन्हें गिराने का आदेश कुछ दिन पहले ही जारी किया गया था। और उस आदेश का पालन करते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से मुख्तार अंसारी के बेटों की दोनों इमारतों को गिरा दिया। इस कार्रवाई के लिए वहां भारी तादाद में पुलिस बल के साथ प्रशासन के अधिकारी पहुंचे और खुदाई करने वाली कई मशीनों को काम पर लगाया गया। पहले एक खुदाई करने वाली मशीन ने एक इमारत के पिलर को तोड़ा, जिसके टूटते ही वो धड़ाम से नीचे गिर गई। इसी बीच दूसरी मशीन भी अपने काम में रही। उसने भी अवैध कब्जा कर बनाई गई दूसरी इमारत के पिलर तोड़े और वो भी कुछ ही पल में जमींदोज हो गई। आरोप है कि कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से इन मकानों की गलत रजिस्ट्री भी करवाई गई थी और अब उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। यूपी से जफर इस्लाम बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। बीजेपी ने यूपी में राज्यसभा उपचुनाव के लिए जफर इस्लाम को अपना उम्मीदवार बनाया। अमर सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिसके लिए 11 सितंबर को उपचुनाव होगा। यूपी के लखीमपुर में एक लड़की की हत्या के आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। साथ ही सरकार ने पीड़ित परिवार को 5,00,000 रुपए की मदद देने का भी ऐलान किया। लखीमपुर में 2 दिन पहले इस लड़की का शव संदिग्ध हालात में मिला था। इस मामले में रेप के बाद हत्या की आशंका जताई गई है। विराट कोहली जल्द ही पिता बनने वाले हैं। उन्होंने अपनी पत्नी अनुष्का के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और जानकारी दी कि वो अगले साल जनवरी में पिता बनेंगे। विराट की इस पोस्ट के बाद बीसीसीआई समेत कई साथी खिलाड़ियों ने उन्हें बधाई दी। न्यूज 18 ने रिया चक्रवर्ती ने सुशांत केस की सीबीआई जांच पर भी सवाल पूछा, जिस पर उन्होंने कहा कि वो सीबीआई जांच के खिलाफ नहीं है। हम आपका इंस्टाग्राम पोस्ट देख रहे हैं, जो आपने एक मंथ के बाद सुशांत की डेथ के लिखा था। आपने कहा था, रिस्पेक्टेड अमित शाह सर, आई एम सुशांत सिंह राजपूत
girlfriend, Riya Chakravarti. It is now over a month since his sudden demise. I have complete faith in the government. However, in the interest of justice, I request you with folded hands to initiate a CBI inquiry. I'm curious, kya aap suspect kar rahi thi ke aapne demand kiya CBI probe? मैं यही बात जानना चाहती थी. मेरे उस मैसेज में एक लाइन ये भी है कि व्हाट प्रॉम्प्टेड हिम टू टेक सच ड्रास्टिक स्टेप्स. अगर ये सुसाइड है तो ऐसा क्या हुआ उन दिनों में, क्योंकि मैं वहां नहीं थी और मेरी उनसे बात नहीं हुई. मैं यही बात जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हुआ. इसीलिए मैं चाहती थी और चाहती हूँ कि सीबीआई इंक्वायरी हो इस बारे में. यू डोंट सी दिस एज अ सुसाइड केस? ये सुसाइड आपको नहीं लगता, क्योंकि आप बोलती हैं कि क्या हुआ तो कुछ भी हो सकता है, आप ये मानती हैं? जी मैम, मैं नहीं जानती क्या हुआ, इसलिए मैं भी जानना चाहती हूँ. देन व्हाई डिड यू मूव द सुप्रीम कोर्ट? पहले आप सीबीआई कोर्ट सीबीआई इन्वेस्टिगेशन डिमांड करती हैं, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट मूव करती हैं. ऐसा क्यों डिसीजन लिया आपने? क्योंकि जब मैंने सुप्रीम कोर्ट मूव किया था तब सीबीआई वाज नॉट इन द पिक्चर मैम. तब बिहार पुलिस वाज इन द पिक्चर. मैं ऑलरेडी मुंबई पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही थी. उतने में बिहार पुलिस भी एक एफआईआर लेकर यहाँ आ गई, जो कम्प्लीटली बेसलेस था. और मुझे नहीं समझ आया कि अब मुझे मुंबई पुलिस के साथ कोऑपरेट करना है या बिहार पुलिस के साथ कोऑपरेट करना है. मैंने कभी अपने सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन में ये नहीं कहा कि मुझे सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहिए. मैं तभी भी सीबीआई इंक्वायरी ही मांग रही थी. लेकिन उस दौरान जब मैंने सुप्रीम कोर्ट मूव किया था तब बात सीबीआई इंक्वायरी की नहीं थी, बात ज्यूरिसडिक्शन की थी. सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम पर जुलूस निकालने की याचिका खारिज कर दी. शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कोरोना खतरे की वजह से देश भर में धार्मिक जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी और याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी. कोर्ट ने साफ कर दिया कि हर जगह के हालात अलग हैं, इसलिए राज्य के हाई कोर्ट को वहां के हालात के मद्देनजर इजाजत देनी चाहिए. हालांकि याचिकाकर्ता की ओर से धार्मिक जुलूस निकालने के लिए ओडिशा की जगन्नाथ यात्रा रथ यात्रा का हवाला दिया गया, मगर कोर्ट ने कहा कि वो सिर्फ एक शहर का मामला, पूरे देश का नहीं. ऐसे में अगर पूरे देश के लिए इजाजत दे दी गई तो फिर लोग एक ही समुदाय को कोरोना के लिए दोष देने लगेंगे. रूस के वोरोनेस इलाके में लगी आग ने जंगल के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वहां रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गई. बताया गया कि बिजली के तारों से निकली चिंगारी की वजह से वहां आग लगी थी, लेकिन तेज हवाओं की वजह से आग जंगल में फैल गई और फिर उसने एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया. जंगल में मौजूद सूखी घास ने तो आग में घी का काम किया. थोड़ी ही देर में आग इतनी भयावह हो गई कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई पड़ने लगी, जबकि उससे निकलने वाला काला धुआं पूरे इलाके में फैलता नजर आया. जंगल की आग का पता चलते ही वहां फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंच गई, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया. फायर ब्रिगेड की कई कर्मचारी पाइप से आग पर पानी की बौछार करते दिखे, लेकिन आग पर काबू पाना इतना भी आसान नहीं था. हालांकि सुबह होते होते फायर ब्रिगेड ने जंगल के ज्यादातर हिस्सों में लगी आग पर काबू पा लिया, लेकिन कुछ इलाकों में आग धधकती रही, जिसे बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद से पानी की बौछार की गई. पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में एक दुकान के पानी में ढह जाने की डराने वाली तस्वीर सामने आई. जिस नाले के पास ये दुकान थी उसमें बारिश की वजह से जलस्तर अचानक बढ़ गया और वो दुकान देखते ही देखते पानी में समा गई. तस्वीरों में दिखा कि सड़क के किनारे बनी उस दुकान का पिछला हिस्सा नाले के बिल्कुल पास था और जैसे ही नाले में पानी का स्तर बढ़ा वो दुकान के लिए खतरनाक साबित हो गया. पानी के बहाव में आकर वो ताश के पत्तों की तरह ढह गई. बताया गया कि इस घटना से पहले ही दुकान में रखा सारा सामान निकाल लिया गया था, लेकिन इस तस्वीर को देखकर आसपास के लोगों में खौफ भर गया. फिल्म अभिनेता महेश मांजरेकर से अंडरवर्ल्ड के नाम पर 30 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के आरोप में मुंबई पुलिस ने रत्नागिरी से मिलिंद तुलस्कर नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के समय पता चला कि धमकी देने के लिए उसने गूगल की सहायता ली थी, जिसकी उसने कई दिनों तक प्रैक्टिस की थी. बाद में उसने 26 अगस्त को महेश मांजरेकर को फोन करके 30 करोड़ की फिरौती मांगी और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी. इस बात का भी पता चला कि आरोपी मिलिंद पहले मुंब्रा में रहता था, लेकिन लॉकडाउन के समय वो अपने परिवार के पास रत्नागिरी चला गया था. इस अपराध में मिलिंद तुलसंकर नाम का जो आरोपी उसको अरेस्ट किया गया है. यह आरोपी
लॉकडाउन के पहले अपना छोटा मोटा कारोबार करता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद में जब उसे कोई काम नहीं था तो उसने इंटरनेट के माध्यम से काफ़ी सारे सर्च किए, जिसमें गैंगस्टर के बारे में भी उसने सर्च किया था। और उसके बाद उसमें से उसने अबू सालेम किस तरह से एक्सट्रॉशन करता है इस मामले की उसने जाँच की थी। और साथ में जो अभिनेता है महेश मांजरेकर, इनका फ़ोन नंबर उसने mynita.com इस वेबसाइट से भी लिया था और इसके माध्यम से उसने उनको मैसेज किया था। मैसेज में 35 करोड़ रुपए की मांग की थी। फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी के स्पेन के बार्सिलोना क्लब छोड़ने की खबर के बाद से उनके समर्थकों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। वहां मेसी के क्लब में बने रहने की मांग कर रहे फैंस का दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा और एक बार फिर उसी फुटबॉल स्टेडियम के बाहर पहले दिन से भी ज्यादा संख्या में मेसी के फैन जुटे नजर आए। लेकिन इस बार उनका गुस्सा सातवें आसमान पर दिखा। वो कूदते कूदते लियोनेल मेसी के समर्थन में नारे लगाते दिखे। स्टेडियम के गेट खुलते ही लोग उसके अंदर घुस गए, जैसे जाने क्या करके मानेंगे। उन्हें बाहर निकालने के लिए पुलिस वहां पहुंची तो समर्थक उससे भी भिड़ गए। हंगामा बढ़ता देख पुलिसकर्मी एक फैन को पकड़कर बाहर ले गए, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने फुटबॉल क्लब के अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। सामने आई एक तस्वीर में तो मेसी के एक बुजुर्ग फैन भी प्रदर्शन में शामिल नजर आए, मगर उनका अंदाज बाकियों से बिल्कुल निराला दिखा। वो स्टेडियम के बाहर बाजा बजाते हुए नजर आए। अगले साल 2021 में मेसी का बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के साथ करार खत्म हो रहा था, लेकिन वक्त से एक साल पहले उसे अचानक छोड़ देने की बात उनके फैन पचा नहीं पा रहे और वो क्लब के साथ बने रहे इस मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद का कपिल सिब्बल ने बचाव किया। कपिल सिब्बल ने पार्टी के नेता जितिन प्रसाद पर कार्रवाई की मांग का विरोध किया। पिछले दिनों कांग्रेस आलाकमान को लिखे खत में जितिन प्रसाद ने भी दस्तखत किए थे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने उन पर कार्रवाई की मांग की थी। इसी मामले में अब सिब्बल ने जितिन प्रसाद का समर्थन किया और पार्टी को अपने नेताओं के बजाय बीजेपी के खिलाफ मुद्दे उठाने की नसीहत दी। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव मामले में भारत की मांग खारिज कर दी। भारत ने कुलभूषण की पैरवी के लिए भारतीय वकील की मांग की थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसे मंजूरी नहीं दी। वहां की अदालत में कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाएगी। दिल्ली के पास नोएडा में कुछ कर्मचारियों ने अपनी कंपनी के बाहर प्रदर्शन किया और वेतन देने की मांग की। इन लोगों ने कंपनी पर पिछले कई महीने से वेतन नहीं देने का आरोप लगाया, साथ ही कुछ कर्मचारियों को नौकरी से निकालने पर भी आपत्ति जताई। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टेनिस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने इस फैसले के जरिए अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक की हत्या पर अपनी नाराजगी जताई। आरोप है कि पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान इस नागरिक को गोली मार दी थी, जिसके बाद विस्कॉन्सिन में हालात तनावपूर्ण हो गए। न्यूज 18 के तीखे सवालों में सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन पर जब रिया से सवाल पूछा गया तो रिया ने दावा किया कि उन्होंने कभी भी ड्रग्स नहीं ली, बल्कि उन्होंने तो ये तक दावा कर दिया कि सुशांत ही ड्रग्स लिया करते थे। नारकोटिक्स ब्यूरो अब इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक ड्रग्स एंगल अब सामने आया है रिया। व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड द टैलेंट मैनेजर जया साहा। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशंस। मार्च 2017 में आप कहती हैं गौरव आर्या को, इन केस वी स्पीक अबाउट हार्ड ड्रग्स आई हैवन्ट बीन डूइंग टू मच। फिर आप बोलती हैं ट्राइड एमडीएमए वंस, यू हैव एमडी। इसका क्या मतलब है? इजंट दिस इन कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट यू हैव बीन सेइंग दैट यू हैव नेवर कंज्यूम्ड ड्रग्स? मैम, आई हैव एब्सोल्युटली नेवर कंज्यूम्ड ड्रग्स एंड आई डिनाय दिस कन्वर्सेशन एंड आई वुड लाइक टू सेव दिस बिकॉज़ अभी भी मेरा इन्वेस्टिगेशन होने वाला है एनसीबी के साथ और यहाँ मैं कुछ भी स्टेटमेंट दूंगी इट कैन अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन देयर, बट आई एम विलिंग फॉर अ ब्लड टेस्ट एंड आई कंप्लीटली स्टैंड बाय द फैक्ट दैट आई डू नॉट कंज्यूम एनी काइंड ऑफ ड्रग्स। अनदर व्हाट्सएप कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड जया साहा, नवंबर 2019 का है। आप कह रही हैं अबाउट फोर, उन्होंने बोला है जस्ट यूज फोर ड्रॉप्स इन कॉफी टी और वाटर एंड लेट हिम सिप इट। Then she is saying, give it 30 to 40 minutes for it to kick in. Did Sushant know that you were giving him drugs? Firstly, I never gave him anything. It was a conversation between him and the lady in concern. He was asking about alternate therapy for anxiety. And this particular thing,
I don't know what it is exactly. And again, I would like to say I never gave him anything. In case he took something or not, he would definitely do it himself. And I continue to keep my stand that I have never done anything. I have never made him do anything. And I would like to save the rest for when my investigation goes on. Then aap April 2020 ka ye conversation hai Samuel Miranda ko. Hi Riya, this stuff is almost finished. Then Samuel Miranda is telling you, can we take this from Shovik's friend? But he only has hash and BUD. Ab ye kya, ye pura ab investigation ka part hai. Investigating agency bolti hai ki aap koi drug racket mein ab involved hai. Aapka kya defense hoga? I'm honestly, it's really sad to say, but ye jo consumption hai drugs ka aur ye jo consumption hai marijuana ka, Sushant used to smoke marijuana. और आई एम श्योर कि उनके स्टाफ और उनके आसपास के लोग जो एक्चुअली वहाँ थे वो इस बात को भी बता पाएंगे. एंड दैट्स व्हाई आई हैव फेथ कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस बात को इन्वेस्टिगेट करेगी दे विल कम टू द ट्रूथ ऑफ इट. एंड अनफॉर्चुनेटली आई स्टिल हैव टू बी पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन हेंस आई वुड नॉट लाइक टू गो इनटू फर्दर डिटेल्स अबाउट दिस बट आई स्टिक टू माई स्टैंड एंड डिनाई ऑल एलिगेशंस. यू आर सेइंग दैट सुशांत यूज्ड टू कंज्यूम अ ड्रग कॉल्ड मैरिजुआना. क्या है वो, मतलब कब पता चला था आपको, क्योंकि योर रिलेशनशिप विथ हिम बिगन इन अप्रैल 2019. व्हेन डिड यू रियलाइज दैट ही वाज इनटू ड्रग्स? मैम, ही यूज्ड टू डू इट इवन बिफोर ही मेट मी. ही प्रोबब्ली स्टार्टेड इट 2 इयर्स बिफोर ही मेट मी, प्रोबब्ली अराउंड द टाइम ऑफ हिज केदारनाथ शूट और इवन बिफोर दैट. एंड ही हैड अदर पीपल लिविंग विद हिम एट दैट पॉइंट एंड ही वाज ऑलवेज डूइंग इट इवन बिफोर ही मेट मी. एंड इन फैक्ट माय रोल इन दिस ओनली वाज to try and help him to stop it, reduce it, and that's in fact the only place where I was trying to control him. सुशांत सिंह की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट कर एक बार फिर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की मांग की है. उन्होंने सुशांत के चंडीगढ़ जाने का जिक्र करते हुए दावा किया कि सुशांत के चंडीगढ़ पहुंचते ही रिया ने उसे 25 बार कॉल किए. श्वेता ने आरोप लगाया कि रिया के बार बार कॉल करने की वजह से ही सुशांत चंडीगढ़ से मुंबई लौट गए थे. श्वेता ने आरोप लगाया कि रिया सुशांत के मरने के बाद मीडिया में आकर उसे बदनाम कर रही है. सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट किया और लिखा कि जनवरी में मेरे भाई ने रानी दीदी को इमरजेंसी कॉल की थी, उसे ड्रग्स दी गई थी और आइसोलेट किया गया था. चंडीगढ़ पहुंचने के बाद 2 से 3 दिन में रिया ने 25 कॉल की थी. क्यों? उसे वापस बुलाने की क्या जल्दी थी? और सबसे बुरी बात यह थी कि मैं उससे नहीं मिल पाई, क्योंकि जब मैं चंडीगढ़ पहुंची तो भाई रिया के बार बार कॉल और काम की वजह से वहां से जा चुका था. हमारा परिवार हमेशा उनके साथ मजबूती से खड़ा था. सुशांत के लिए न्याय. चीन और अमेरिका के बीच उस वक्त तनाव और बढ़ गया जब चीन ने दक्षिण चीन सागर में 2 मिसाइलें दाग दी. चीन का यह कदम केवल अमेरिका को जवाब देने के लिए था, क्योंकि एक दिन पहले अमेरिका के कुछ विमान चीन के बेहद करीब पहुंचे थे और चीन ने आरोप लगाया था कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय नियम तोड़े हैं. लिहाजा चीन ने जवाबी कार्रवाई में भी केवल एक ही दिन का वक्त लगाया. उसने एक नहीं बल्कि 2-2 ताकतवर मिसाइल दक्षिण चीन सागर में दाग दी. मकसद अमेरिका को अपनी ताकत दिखाना था और ये चेतावनी देना था कि अगर चीन को छेड़ा तो अंजाम बुरा होगा. मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में जमीन विवाद से परेशान होकर एक आदमी मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया, लेकिन लोगों के हाथ पांव उस वक्त फूल गए जब वो गले में रस्सी का फंदा डालकर खुदकुशी करने की धमकी देने लगा, जिसकी जानकारी फौरन पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी वहां पहुंच गए. इसके बाद टॉवर पर चढ़े आदमी को नीचे उतारने की कोशिश शुरू हुई. इस बीच वहां मौजूद पुलिस के अधिकारी बारिश के बीच लाउडस्पीकर की मदद से उससे नीचे उतरने की अपील करते रहे. तो देखो अभी पानी बहुत ज्यादा गिर रहा है, तुमको ठंड आ जाएगी, बीमार हो जाओगे, पर उतर नहीं पाओगे, इसलिए यहां तक आ जाओ, हमें तुम परेशान नहीं करेंगे. आजा भाई, हाथ जोड़ रहा है यार. बारी बारी से कई अधिकारियों ने उसे समझाने की कोशिश की. हालांकि कई घंटों तक समझाने के बाद वो नीचे उतर आया और टॉवर से उतरते ही उसने वहां मौजूद अधिकारियों के पैर पकड़ लिए. बाद में पुलिस अधिकारियों ने उसे इस बात का भरोसा दिया कि जल्द ही उसके जमीन का विवाद सुलझा दिया जाएगा. खबर है कि सुशांत मौत मामले में ड्रग्स के कनेक्शन की जांच के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम गोवा के एक रेस्टोरेंट मालिक के ठिकानों पर छापा मार सकती. रेस्टोरेंट मालिक का नाम गौरव आर्या बताया जा रहा है, जिसकी रिया चक्रवर्ती के साथ व्हाट्सएप चैट वायरल हुई थी. आरोप है कि गौरव आर्या ही रिया और उसे जुड़े
लोगों को ड्रग्स की सप्लाई करता था और खबरें हैं कि ड्रग्स के कनेक्शन की जांच के लिए एनसीबी गौरव आर्या के ठिकानों पर छापा मार सके। हालांकि गौरव आर्या ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में दावा किया कि उसकी 2017 के बाद कभी रिया से मुलाकात नहीं हुई। यही नहीं, उसने रिया को ड्रग्स की सप्लाई करने के आरोपों को भी नकारते हुए खुद को निर्दोष बताया। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि एनसीबी की टीम गौरव आर्या और रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कस सकती है, जिस पर सुशांत के पिता ने भी रिया पर गंभीर आरोप लगाए। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। हैदराबाद में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हैदराबाद में स्कूल ड्रेस की सिलाई करने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 1 करोड़ रुपए का सामान जलकर राख हो गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में ऊझ नदी में 34 घंटों से फंसे 7 लोगों को वायुसेना के M-17 हेलीकॉप्टर की मदद से बचा लिया गया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में जमीन विवाद के निपटारे की मांग करते हुए एक लड़का टावर पर चढ़ गया, जिसे नीचे उतारने में पुलिस के पसीने छूट गए। पटना में संपत्ति विवाद में 2 भाइयों और उनके समर्थकों के बीच हुई मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। वाराणसी में मास्क नहीं लगाने के आरोप में पुलिस ने एक लड़के की पिटाई कर दी, जिस पर लोगों ने एतराज जताया। गुजरात के पोरबंदर में लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया।